हेलो फ्रेंड्स, मैं मंदीप स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बोटनेक ब्लाउज़ का चार्ट, जिसमें आपको बताया गया है कि सभी साइज़ में, आप किसी भी साइज़ में आपको कितना शोल्डर आर्मोस लेना होता है इसके बारे में बताया गया है। और ये इसमें मैंने आपके साथ 31 चेस्ट से लेकर 50 चेस्ट तक के सभी साइज़ का मेज़रमेंट इसमें डिटेल में बताया है मैंने कि किस साइज़ में आपको कितना शोल्डर और आर्मोस लेना होता है। तो जब भी आप बोटनेक ब्लाउज़ बनाएं, आपको नहीं समझ आता है कि किस में कितना शोल्डर आर्मोस लेना है, तो चेस्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है, चेस्ट के अकॉर्डिंग आप ये चार्ट में से देख के बना सकते हैं। तो जो चार्ट मैं आपको अभी बताने जा रही हूँ, उसका आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें या फिर आप डिटेल में उसे लिख लें, नोट कर लें, ठीक है। तो कोई भी कंफ्यूजन होता है आपको इस चार्ट से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और यहाँ पर जो चेस्ट साइज़ मैंने लिया हुआ है, अगर आप बॉडी से नाप ले रहे हैं तो उसमें आप 2.5 इंच प्लस करें लूजिंग के लिए, और अगर आप ब्लाउज से नाप ले रहे हैं तो उसमें आप बराबर नाप लेना है आपको, कोई भी इसमें आपको लूजिंग नहीं देना है। जब हम बॉडी से नाप लेते हैं तो हमें एक्स्ट्रा उसमें ऐड करना होता है, ब्लाउज से जब भी आप नाप लेते हैं तो उसमें कोई भी आपको एक्स्ट्रा लूजिंग नहीं देनी होती है। अगर कस्टमर आपसे कहते हैं कि आप उनको इसमें 1/2 इंच की लूजिंग चाहिए या लूज चाहिए, तो आपको लूजिंग देनी होती है, वरना आप जो फिटिंग का नाप बना रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपको लेना होता है। तो चलिए हम यहाँ पर वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर ये मैंने चार्ट बनाया हुआ है, 31 साइज से लेकर 50 साइज़ तक का बनाया हुआ है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर 31 साइज़ के अगर चेस्ट होते हैं, 32 के और 33 के, तो उसमें आपको शोल्डर लेना है 6.5 इंच, आर्मोल्स लेने हैं 6.5 इंच, और नेक विड्थ लेनी है 4 इंच, और जो नेक की लेंथ रहेगी वो 3.5 इंच तक रहेगी। अगर कस्टमर कहते हैं आपसे लेंथ बढ़ाने के लिए, तो आप 4 इंच तक ले सकते हैं इसमें, ठीक है। और देखिए, चेस्ट साइज़ होता है अगर 34 इंच, 35 इंच, 36 इंच, तो उसमें आपको शोल्डर लेने हैं 7 इंच, आर्मोस लेने हैं 7 इंच, और देखिए यहाँ पर नेक विड्थ लेनी है आपको 4.5 इंच, और जो नेक की लेंथ लेनी है वो 4 इंच लेनी है। अगर कस्टमर बोलते हैं आपसे, या आप अपना ब्लाउज बना रहे हैं थोड़ी बढ़ाना चाहें, तो 4.5 इंच तक नेक लेंथ लेते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स बोट नेक में लेंथ हम ज़्यादा नहीं रखते हैं। अगर आप ज़्यादा लेंथ रखेंगे तो आपके ब्लाउज़ में झोल आ सकता है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें कि नेक की जो लेंथ होती है उसे हमने ज़्यादा नहीं रखना है। अगर कस्टमर आपसे बोलते भी हैं कि फ्रंट में उन्हें ज़्यादा डीप चाहिए, तो उन्हें आप समझाएँ कि बोट नेक में ज़्यादा डीप नेक नहीं बनता है, ठीक है। तो चलिए हम आगे देखते हैं। यहाँ पर ये देखिएगा, यहाँ पर 39 और 40 चेस्ट में आपको शोल्डर लेने हैं 7.5 इंच, आर्मोस लेने हैं 7.5 इंच, और यहाँ पर देखिए नेक की जो विड्थ है वो 4.5 इंच लेनी है, और जो नेक की लेंथ है वो 4.5 इंच तक लेनी है। बढ़ाना चाहें तो 1/2 इंच बढ़ा सकते हैं, 5 इंच तक ले सकते हैं, वरना ये जो लेंथ है वो बिल्कुल परफेक्ट रहती है बोट नेक ब्लाउज़ के अकॉर्डिंग। जो भी लेंथ मैंने दी हुई है ये बिल्कुल परफेक्ट रहती है, ठीक है। और 41 यहाँ पर 41, 42, 43, 44 साइज़ में शोल्डर लेने हैं आपको 8 इंच, आर्मोस लेने हैं 8 इंच, और जो नेक की विड्थ है, मतलब कि नेक की चौड़ाई है, वो है 5.5 इंच, ठीक है। देखिए यहाँ पर चेस्ट साइज़ बड़ा है, तो यहाँ पर नेक की विड्थ भी हमारी बढ़ती जाएगी। जो नेक की विड्थ है, चौड़ाई जो हम लेते हैं बोट नेक में, वो 5.5 इंच तक लेनी है, और जो नेक की लेंथ है वो 4.5 इंच लेनी है, ठीक है। ज़्यादा हैवी साइज़ में आपको नेक लेंथ ज़्यादा नहीं बढ़ानी है, वरना आपका जो नेक है वो झोल खा सकता है। तो नेक विड्थ आपको इतनी ही रखनी है, ज़्यादा से ज़्यादा आप 5 इंच तक लें, इससे ज़्यादा ना लें और फैलाएं ना नेक को। यहाँ पर 45, 46, 47 चेस्ट साइज़ अगर होता है, तो आपको जो शोल्डर है वो 8.25 इंच लेने हैं, आर्मोस 8 इंच लेने हैं, और जो नेक की विड्थ है वो 5.5 इंच लेनी है, और जो नेक की लेंथ है वो 4.5 इंच लेनी है, ठीक है। 48, 49 और 50 में आपको शोल्डर लेने हैं 8.5 इंच, आर्मोस लेने हैं 8 इंच, और जो नेक की विड्थ है वो लेनी है आपको 6 इंच, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर ये बहुत ही ज़्यादा हैवी साइज़ है, वैसे इतनी हैवी साइज़ में बोट नेक के जो ब्लाउज़ होते हैं वो लोग कम ही पसंद करते हैं, ज़्यादा हेल्दी लोग बोट नेक ब्लाउज़ पसंद नहीं करते हैं। फिर भी अगर आपके पास किसी कस्टमर का आता है, तो आप ये मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग बना सकते हैं, ठीक है। जो नेक की विड्थ है वो आप 6 इंच लें, नेक लेंथ 4.5 इंच लें, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने आपको सभी क्लियर कर दिया है,
चेस्ट साइज में शोल्डर कितना लेना है, आर्म होल्स कितना लेना है, नेक विड्थ और नेक लेंथ। इसके अलावा भी अगर कोई सवाल होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। तो ये बिल्कुल परफेक्ट चार्ट है बोट नेक ब्लाउज़ का, जिसकी काफ़ी समय से रिक्वेस्ट आ रही थी मुझे कि आप इस पे वीडियो बनाएं चार्ट के साथ। तो आज स्पेशली मैंने आप लोगों के लिए अपलोड किया है, तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। अब आप देख आपको देखिए मैं एक पैटर्न भी यहाँ पर ड्रॉ करके बता देती हूँ, जो मैं कॉमन साइज़ 36 पे बता रही हूँ आपको, ठीक है। तो किस तरीके से आपको शोल्डर आर्मोस नेक विड्थ और नेक लेंथ लेनी है वो आपको बता देती हूँ। देखिएगा यहाँ पर मैं आपको पेपर पे बता रही हूँ, पेपर को इस तरीके से आपको फोल्ड करके रखना है और जो बंद वाला हिस्सा है वो मैंने अपनी तरफ रखा हुआ है जी। देखिए यहाँ पर मैंने पेपर को इस तरीके से फोल्ड करके रखा है, फोल्ड वाला मैंने हिस्सा अपनी तरफ लिया हुआ है और यहाँ से हमें शोल्डर मार्किंग करनी है। अगर आप कपड़े पे भी कटिंग करते हैं तो इसी तरीके से करना है। और फ्रेंड्स मेरे चैनल पर काफ़ी सारे वीडियोस अपलोड है बोट नेक की कटिंग के, आप चाहें तो उसे भी देख सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो हम लेंथ ले लेंगे, तो देखिए यहाँ पर जैसे लेंथ है हमारी 14 इंच, तो 14 इंच पर एक मार्किंग कर लेंगे हम इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पर मार्किंग कर ली है 14 इंच पे और यहाँ से हम शोल्डर ले लेंगे, ठीक है। ये तो हमारी लेंथ हो गई है, यहाँ से हम शोल्डर ले लेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम बना रहे हैं 36 चेस्ट का, तो 36 में जैसे हमने शोल्डर लिए हैं 7 इंच, आर्मोल्स भी 7 इंच ली हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर हम शोल्डर ले लेंगे इस तरीके से 7 इंच। इसमें हमने कोई भी एक्स्ट्रा लूजिंग नहीं देनी है शोल्डर में, ये बिल्कुल परफेक्ट नाप है। तो यहाँ से हमने शोल्डर ले लिए हैं 7 इंच, ठीक है। और यहाँ से आर्म होल्स ले लेंगे 7 इंच इस तरीके से, मार्किंग कर लें आप। ये हो गए शोल्डर और ये हो गए आर्म होल्स, ठीक है। तो शोल्डर 7 इंच, आर्म होल्स 7 इंच लिए हैं और यहाँ से चेस्ट का चौथा भाग लेना है, तो चौथा भाग हमारा 9 हुआ, एक्स्ट्रा मार्जिन 2 इंच का इस तरीके से। यहाँ पर मार्किंग कर ली है हमने, अब हम यहाँ से, ठीक है, आर्म होल्स के लिए मार्किंग कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर गैप कितनी आ रही है हमारी, 1 इंच आ रही है, ठीक है। और यहाँ पर फ्रंट आर्म होल का आपको ध्यान देना होता है, फ्रंट में देखिए यहाँ पर 1.25 इंच हम अंदर की तरफ लेंगे इस तरीके से। पौना 1 इंच अंदर की तरफ लेकर इस तरीके से हमें गोलाई देनी होती है। कॉलर ब्लाउज़ और बोट नेक ब्लाउज़ में गोलाई हमें ज़्यादा देनी होती है फ्रंट की, ठीक है। तो ये हमारा बैक का आर्म होल से, ये हमारा फ्रंट का आर्म होल से, ठीक है। तो देखिए इस तरीके से मार्किंग कर लेनी है आपको और यहाँ से हम नेक विड्थ लेंगे, तो जो नेक की विड्थ है हमारी वो 4.5 इंच है, तो यहाँ से 4.5 इंच ले लेंगे और जो नेक की लेंथ है हमारी वो 4 इंच है। तो देखिए यहाँ पर 4 इंच पे मार्किंग कर लेंगे, ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ से इसे इस तरीके से, देखिए बोट नेक में गहराई ज़्यादा नहीं दी जाती है, सिर्फ इस तरीके से हमें मार्किंग करनी होती है इस तरीके से, ठीक है। यहाँ से गहराई ज़्यादा नहीं देनी है, इस तरीके से हमें मार्किंग कर लेनी है यहाँ पर। तो देखिए हमारा ये जो पैटर्न है बोट नेक का वो कंप्लीट हो गया है। नीचे जो भी आप प्रिंसेस कट, फोर टक्स जो भी बनाना चाहते हैं आप बना सकते हैं, आपको मार्किंग इसी तरीके से करनी होती है, ठीक है। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो मेरा कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ कि शोल्डर आपको कितने पे डाउन करना है। देखिए अगर आपका जो ब्लाउज़ है वो कम साइज़ का होता है, ठीक है, अगर 31, 32, 33, 34 तक होता है तो आपको यहाँ पर 0.5 इंच से कम शोल्डर डाउन करना है, ठीक है। मतलब कि बस इतना ही शोल्डर डाउन करना है आपको, यहाँ से इस तरीके से लेंगे।
और अगर हैवी साइज़ होता है तो आपको आधा इंच करना है, ठीक है। अगर ये भी हमने आधा इंच से कम किया हुआ है, और अगर हैवी साइज़ होता है तो आधा इंच तक करना है। अगर उससे भी ज़्यादा हैवी साइज़ होता है, जैसे कि 40 के ऊपर है, तो पौना एक इंच तक कर दीजिए, उससे ज़्यादा ना करें। इस तरीके से, ठीक है। ये देखिए आधा इंच हमने आधा इंच से कम चेस्ट साइज़ के लिए किया है, ठीक है। और अगर 40 तक होता है आपका चेस्ट साइज़, तो आधा इंच तक शोल्डर डाउन करना है। अगर 40 से ऊपर होता है तो पौना एक इंच तक शोल्डर डाउन करना है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर मैंने मार्किंग करके बता दी है, और कटिंग देखिए इस तरीके से करनी होती है आपको। सबसे पहले हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे, क्योंकि यहाँ पर फ्रंट और बैक साथ में है हमारे। 36 साइज़ है, तो यहाँ पर हम आधा इंच वाला शोल्डर कट करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर हम इस तरीके से कर देंगे। तो ये हमारा बैक का पार्ट हो गया है, ये हमारा फ्रंट का पार्ट हो गया है। ये देखिए इस तरीके से यहाँ पर हम गले में शेप इस तरीके से देंगे, ठीक है। तो ये हमारा फ्रंट का हो गया। बैक में आप देखिए कोई भी डिज़ाइन देना चाहते हैं वो आप दे सकते हैं, मेरे काफ़ी सारे वीडियोस अपलोड हैं इसके ऊपर। तो देखिए यहाँ पर इस तरीके से हमने बोट नेक की कटिंग भी कर ली है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।